नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। अगर हम यूएस मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे हमने एक शानदार रैली देखी। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि वहाँ पे जो डेट डील के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा था वो फाइनली पॉजिटिवली क्लोज हुआ और इसी वजह से वहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम बना। अब यहाँ पे और भी डेवलपमेंट्स होंगे लेकिन मोर और लेस डेट डीलिंग के डिस्कशन को हम पॉजिटिवली ले सकते हैं। साथ ही साथ इसके ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेट डील डिस्कशन अभी वापस इक्विटीज़ में डिमांड बनेगा और इसी वजह से एशियन मार्केट्स में हमने अच्छी खासी तेज़ी देखी है। जापान का मार्केट ऊपर है, यूएस के स्टॉक फ्यूचर्स पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंगापुर निफ्टी 150 पॉइंट यानी कि 150 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी हम जो प्रीवियस वीक में बात कर रहे थे या शुक्रवार के दिन में हमने एक बात कही थी कि 18,200 अभी मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। जब तक इन लेवल्स के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक हम ऊपर की रैली देख सकते हैं और 18,460 के ऊपर की क्लोजिंग शुक्रवार के दिन क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट अभी यहाँ से और भी बढ़ सकता है। तो यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे वो बनेंगे 18,570 से लेकर 670 के। जैसे कि 150 पॉइंट ऊपर है निफ्टी, हमें लगता है कि 18,670 के करीब मार्केट खुलेगा और अगर उन लेवल्स के करीब खुलता है तो वहाँ पे आपको पोजीशंस को कम करना है, रिड्यूस करना है पोजीशंस को, क्योंकि मार्केट एक बड़े गैप के साथ खुल रहा है। मार्केट ऑलरेडी एक अच्छा खासा रैली कर चुका है तो इन लेवल्स के करीब आपको पोजीशंस को कम करना है, वीक लॉन्ग पोजीशंस को कम करना है। अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो अभी 18,450-400 जो प्रीवियस वीक में या प्रीवियस मंथ में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहे थे अब उन लेवल्स के करीब सपोर्ट बनेगा। तो मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो वहाँ पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कुछ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हो, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें पोजीशंस को कुछ कम करना है तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना है। इंडेक्स को चेस करने की बजाय आप स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखिए। बैंक निफ्टी 44,150 के लेवल्स थे, 44,150-200 के ऊपर आज हम 44,500 के भी लेवल्स देख सकते हैं। बेस्ट के सिनेरियो 45,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए बनते हैं। लोअर लेवल्स पे 43,500-700 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उन्हीं लेवल्स के करीब वापस बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट बनेगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स जहाँ पे हम लगातार बुलिश थे और यही कह रहे थे कि इसमें और भी मोमेंटम बनेगा, 29,300 जो कल की क्लोजिंग थी अभी हमें लगता है कि इसके ऊपर 30,300 तक के लेवल्स यानी कि 1,000 पॉइंट की रैली हम निफ्टी आईटी इंडेक्स से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के करीब है, अगर इन लेवल्स के ऊपर यानी कि 18,700 के ऊपर अगर टिक गया फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज तो हम लेवल्स देखेंगे मार्केट्स के 18,900 के ऊपर के, जो ऑल टाइम हाईएस्ट लेवल्स है। तो इसी वजह से इन लेवल्स पे काफ़ी क्रूशियल एक रेजिस्टेंस है, लेकिन 18,700 के ऊपर हमें लगता है कि मार्केट में और नई तेज़ी बनेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।